हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं, हमारा जो मेन पार्ट रहेगा जिसके बारे में हम बात करेंगे वो रहेगा एनालिसिस फॉर गेट 2020। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि आपको पता होगा कि इस बार जो भी हमारा गेट का एग्जामिनेशन है वो कौन होस्ट करने वाला है, IIT दिल्ली होस्ट करने वाला है। ठीक है, तो आज जो मैं आपसे बात करूंगा कि जो भी हमारा होस्टिंग IIT है, तो जब जब IIT दिल्ली ने क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किए तो क्या किस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। ठीक है, ये है मेरा कंसर्न जो हम लोग आज आप लोगों के साथ डील करेंगे। ठीक है, तो देखो जरा, मैंने अब हमारे पास बात आता है कि हम लोग होस्टिंग IIT से क्या मतलब क्यों देख रहे हैं, एनालिसिस का क्या मोटिव है हमारा। ठीक है, तो अब देखो, अब ये समझने की कोशिश करो, अभी हम लोग जब भी प्रिपरेशन लेवल पे आते हैं तो हम लोग हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना प्रेफर करते हैं। ये वही रीजन है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को इसलिए सॉल्व करना प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि जो भी एक पैटर्न है, इस पैटर्न को जो फॉलो किया जा रहा है, मतलब कोई भी एक रैंडम पैटर्न होगा ऑब्वियसली, पर हमको एक टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता रहेंगे कि किस टाइप का, क्या हार्ड, क्या लेवल रहता है क्वेश्चंस का, किस लेवल के क्वेश्चंस फ्रेम होने वाले हैं और उसी पे हमको वर्कआउट करना है, उसी लेवल पे हम लोगों को वर्कआउट करना है कि टफनेस लेवल, जो क्वेश्चन का टफनेस लेवल है वो ज्यादा होगा, कम होगा या मॉडरेट रहता है, या कितना थ्योरी का पार्ट रहता है, कितना न्यूमेरिकल का वेटेज रहता है, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा कंसर्न है। और जब भी हम लोग IIT, जब भी हम लोग प्रिपरेशन का बात करते हैं हमारा, तो हर उस स्टूडेंट का रैंक एकदम परफेक्ट आता है जिसका एनालिसिस का पार्ट स्ट्रांग रहता है। तो हमारा मेन कंसर्न जो रहेगा वो एनालिसिस पे रहेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं मैंने आपको क्या किया है। मैंने आपके जितने भी अभी तक होस्ट किया है, जब जब से IIT दिल्ली ने होस्ट किया, जैसे पहले सबसे पहले 1988 में किया था, उसके बाद 92 में किया, 98 में किया, 2004 में किया और 12 में किया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमारा जो सिनेरियो है कैसे कैसे शिफ्ट हुआ और किस किस पॉइंट्स पे शिफ्ट हुआ वो देखेंगे सबसे पहले। तो मैंने बोला पहले के अगर क्वेश्चंस आप देखोगे 2000, जब मैं बोल रहा 1988 के क्वेश्चन देखोगे या 92 के क्वेश्चन देखोगे, 1992 के क्वेश्चन देखोगे, तो आप देखोगे कि जो आपसे क्वेश्चंस बोले जाते थे, जो क्वेश्चंस आते थे अभी तक, जो भी हमारा गेट का एग्जामिनेशन रहता था, उसमें जो क्वेश्चन आते थे वो जनरली न्यूमेरिकल अप्रोच को ना जाते हुए पहले थ्योरेटिकल अप्रोच पे ज्यादा रहते थे। ठीक है, तो आप देखो कि पहले के टाइम में थ्योरी क्वेश्चन ज्यादा आते थे या लॉन्ग लेंथी क्वेश्चन ज्यादा आते थे। अब धीरे धीरे जो ये पैटर्न है ये शिफ्ट होते जा रहा है हमारा, किसकी साइड, न्यूमेरिकल अप्रोच की साइड शिफ्ट होते जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि हम लोग 92 से बात करना स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं और कैसे आपको डील करना है, किस पार्ट पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं 1992 से एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं हमारा कि किन किन टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने देखा कि मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया है लेंथ ऑफ समिट कर्व पे क्वेश्चन पूछा गया है, और ये लेंथ ऑफ समिट कर्व जहां पर मैंने कुछ भी मार्क नहीं किया, इसका मतलब है मैं बता रहा हूं कि एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया होगा जो मैंने आप लोगों को यहां नोट करके, जहां पे थ्योरी क्वेश्चन है वहां मैंने थ्योरी लिख रखा है। तो आपको देखेंगे कि आपका लेंथ ऑफ समिट कर्व का क्वेश्चन किस पे पूछा गया है, न्यूमेरिकल बेसिस पे पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आपको सुपर एलिवेशन भी पूछा गया है, सुपर एलिवेशन भी आपका न्यूमेरिकल अप्रोच पे ही पूछा गया है। ठीक है, तो इससे मेरे को समझ में आता है कि कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आया है, ये मैंने इसीलिए आपको टॉपिक वाइज डिवाइड करके बताया है। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको वेटेज कैसे समझना है। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल श्योरिटी से आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि इसी पे क्वेश्चन फ्रेम होगा, पर आपको एक रैंडम पैटर्न को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि कैसे उस पैटर्न से हम लोग अपना स्टडी, हम लोग कैसे हम उसके बेसिस पे आगे जाएंगे। ठीक है, कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को और कैसे कैसे किस किस पार्ट को ज्यादा फोकस करना है, सिर्फ ये पार्ट है मेरा एनालिसिस का। ठीक है, ठीक है, तो देखो जरा यहाँ पे मैंने बोला सबसे पहले लेंथ ऑफ समिट कर्व पे पूछा गया, सेकंड सुपर एलिवेशन पे पूछा गया, उसके बाद समिट कर्व पे आपको एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, सिमिलरली डिजायर लाइन पे एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया, पैसेंजर कार यूनिट पे केवल वैल्यू पूछी गई कि ट्रक के लिए क्या पैसेंजर कार यूनिट वैल्यू हो सकती है, मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन पे भी एक थ्योरी क्वेश्चन और सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट पे भी एक थ्योरी क्वेश्चन। तो आप देखोगे कि 1992 को जब आपने एनालिसिस किया तो यहाँ पे केवल दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए आपसे और बाकी सारे थ्योरी क्वेश्चन पूछे गए। तो इसका मतलब आपको समझ में आया, मैंने बोला कि आपको पहले जब पुराने टाइम से अभी तक आते जाओगे तो आप देखोगे कि आपका जो पैटर्न है धीरे धीरे इवॉल्व होते गया है ना, आपसे न्यूमेरिकल अप्रोच की साइड ज्यादा बढ़ते गए हैं और आपके थ्योरेटिकल अप्रोच को कम करते गए। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला है कि हम जो जब भी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं हमको थ्योरी पे फोकस करना ही करना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे लेकिन थ्योरी का भी वेटेज उतना ही रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे आगे देखोगे आपको समझ में आएगा कि हाँ हम लोगों को थ्योरी को मिस नहीं करना है,
तभी आप न्यूमेरिकल को हिला सकते हो। एक अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब बनेगा तो आपको थ्योरिटिकल नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी आपने देखा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस पे पूछा गया है, समिट कर्व पे पूछा गया है और सुपर एलिवेशन पे पूछा गया, बाकी सब थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ये बहुत वन लाइनर है, जैसे डिजायर लाइन के बारे में बात करूँ तो वन लाइनर है, पैसेंजर कार यूनिट के बारे में बात करूँ तो वन लाइनर है। ये सब टेबल पे डिपेंडेंट है ना, ये एक नॉर्मल नोट लिखवाता हूँ मैं, जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया होगा कि एक लाइन का बस एक स्टेटमेंट है जो डिजायर लाइन पे स्टेटमेंट है। सिमिलरली पैसेंजर कार यूनिट पे बात करते हैं तो हम लोग एक टेबल बनाते हैं उसके लिए पैसेंजर कार यूनिट। मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन पे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है आप लोगों से, या सीमेंट कॉन्क्रीट पेवमेंट के बारे में बात करें, ठीक है। तो ये तो देखा हम लोगों ने 92 में कैसे क्वेश्चन आया, उसके बाद देखते हैं और कैसे इवॉल्व हुआ हमारा आईआईटी दिल्ली ने कैसे इवॉल्व किया। तो बोलो देखो यहाँ पे बोला 98 की बात कर रहे हैं हम लोग, 1998 में सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में, जिसमें एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने बोला दो क्वेश्चन पूछे गए, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और एक आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपसे मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व के बारे में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया। अभी देखो जरा यहां देखना जरा ध्यान से, अगर आपको पूरा आइडिया है इस सुपर एलिवेशन का, अगर आपको इस सुपर एलिवेशन का पूरा आइडिया है तो मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व कोई एक अलग टॉपिक नहीं है, ये सुपर एलिवेशन के साथ ही हम लोग जनरली स्टडी करते हैं, सुपर एलिवेशन के साथ ही स्टडी करते हैं। तो अगर आपको बेसिक आइडिया सुपर एलिवेशन का था तो आप मिनिमम रेडियस ऑफ कर्व के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद देखो यहां पर मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन पर फिर से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला, जो कि आपको यहां पर भी देखने को मिला था, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन पे एक क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा रिजिड पेवमेंट के बारे में एक क्वेश्चन आया, ठीक है, मतलब ये पेवमेंट डिजाइन से एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ है आपके लिए, पेवमेंट डिजाइन से एक क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। उसके बाद आया इक्विवेलेंट, ये ESWL लिख दिया मैंने यहां पे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड के ऊपर एक क्वेश्चन देखा आपने। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन आया प्लेट लोड टेस्ट से और इलास्टिक मॉड्यूलस निकालने से, ठीक है। यहां पे आपको एक क्वेश्चन, यहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन और पूछा गया था जिसको मैं मार्क नहीं कर पाया, ठीक है। तो अब मैं बता रहा हूं, अभी देखो यहां पे सारे क्वेश्चन जो भी बोला ये, अब आपको एक अगर आप पैटर्न देखोगे, जब मैंने आपको जो भी बताया कि जब हम लोग आपका, जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो दिया था एक, तो मैंने बोला था हम लोग कैसे कैसे डिवाइड किए हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को अलग अलग पार्ट में, तो उसकी बात हुई थी। तो आप देखोगे कि एक ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए, हर पार्ट से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। जैसे मैंने बोला अगर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की बात करूं तो ये आपसे शायद साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन से बात हो गई है, साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन से बात हो गई है क्वेश्चन में, ठीक है। सेकेंड बात करूं ये मिनिमम रेडियस ऑफ, ये ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन पे बात हो गई है, ज्योमेट्रिकल क्लासिफिकेशन पे बात हुई है आपसे, ठीक है। इसके बाद बात करें मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, ये आपसे पेवमेंट डिजाइन के बारे में बात हुई है ना, ये पेवमेंट डिजाइन के बारे में बात हुई है, ये या बोल दो स्ट्रेसेस के बारे में यहां बात हुई है, और उसके बाद रिजिड पेवमेंट मतलब पेवमेंट डिजाइन के बारे में बात हुई है, वापस से यहां पे स्ट्रेसेस के बारे में बात हुई है, इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड मतलब पेवमेंट रिगार्डिंग बात हुई है, प्लेट लोड टेस्ट मतलब आपका टेस्ट जितने भी मटेरियल टेस्ट की बात होती है, हाईवे मटेरियल्स के बारे में बात हुई है, साथ में इलास्टिक मॉड्यूलस वाला जो क्वेश्चन है वो भी, इलास्टिक मॉड्यूलस वाला क्वेश्चन भी आपका हाईवे मटेरियल पे, मतलब हर पार्ट को उसने फोकस किया है ना। आईआईटी दिल्ली ने जब 1998 में क्वेश्चन फ्रेम किया तो उन्होंने हर पार्ट पर फोकस करने ट्राई किया आपसे, कि आप हर पार्ट पर, हर पार्ट को एक अच्छा टाइम दो उसको, कैसे कैसे आपको पढ़ना है। तो आप देखोगे कि हर पार्ट से आपसे एक एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2004 में, देखते हैं कि कैसा एनालिसिस रहा होगा हमारा। तो उन्होंने एक बेसिक क्वेश्चन पूछा सबसे पहले, तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपके डेफिनेशन से पूछा, जो भी आपका डेफिनेशन रहता है। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन रोड पैटर्न पे पूछा, ये रोड पैटर्न किसके बारे में बता रहा है, एक थ्योरी के बारे में ही बता रहा है आपको थ्योरेटिकल, ठीक है। उसके बाद एक सैचुरेशन सिस्टम पे एक क्वेश्चन पूछा है, ये भी हमारे बेसिक्स में इंक्लूड होता है, जब हम लोग इंट्रोडक्टरी चैप्टर पढ़ते हैं तभी की बात है ये, तो ये भी बेसिक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा। तो ये फर्स्ट चैप्टर से तीन क्वेश्चन पूछ ले गए आपके। उसके बाद देखो ब्रेकिंग डिस्टेंस के बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछ रखा है, ब्रेकिंग डिस्टेंस मतलब हम लोगों को यहाँ पे बात हो गई किसका, साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन में ही बात हो गई हमारी वापस से,
साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन में बात हो गई। उसके बाद हमारे पास रोड ज्योमेट्रिक से एक थ्योरी क्वेश्चन पूछा गया है। रोड ज्योमेट्रिक से क्या मतलब है मेरा? रोड ज्योमेट्रिक से मेरा मतलब है कि हम लोग जो भी टेबल बनाते हैं कि क्या विड्थ प्रोवाइड करना है रोड की, है ना, क्या डिजाइन स्पीड है, उससे उस पर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन पूछा, थ्योरिटिकल क्वेश्चन। उसके बाद मार्शल मेथड, देखो ये अब एक नया ट्रेंड आने लग गया 98 के बाद, आपसे अब ये न्यूमेरिकल, ये थ्योरिटिकल अप्रोच से न्यूमेरिकल अप्रोच की साइड बढ़ने लग गए। तो देखो जरा यहां पे हम लोग मार्शल मेथड की बात करिए, फिर आप लोगों से मार्शल मेथड एक अच्छा मेथड है जो हम लोग मटेरियल्स में, हाईवे मटेरियल्स में पढ़ते हैं, और मैं बोलता हूं अभी के टाइम पे इसका बहुत ज्यादा वैल्यू है, वेटेज है, हर बार एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, तो मार्शल मेथड ऑफ मिक्स डिजाइन जो बोलते हैं हम लोग, उस पर कर्व होगा या थियोरिटिकल क्वेश्चन होगा या न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे, तो आपको ये देखने को मिल ही जाएगा हाईवे मटेरियल से एक क्वेश्चन, और यहाँ पर ट्रैफिक डिजाइन से एक क्वेश्चन आया था। ट्रैफिक डिजाइन में बताता हूँ आपसे किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, आपसे क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल लोड के बारे में बात करी थी, क्यूमुलेटिव स्टैंडर्ड एक्सेल लोड के बारे में बात करी थी। यहाँ पे ट्रैफिक डिजाइन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये दो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे कहाँ पे, 2004 में, जब बात करूं तो। ठीक है, इसका मतलब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि फिर से हमारा एक वाइड वैरायटी को कवर किया है, हर टॉपिक से क्वेश्चन को कवर करने का कोशिश किया गया है। ठीक है, तो मेरे को ये समझ में आया कि धीरे धीरे जैसे थ्योरिटिकल नॉलेज से हम लोग इवॉल्व होते जा रहे थे न्यूमेरिकल पैटर्न पे, तो कुछ अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी फ्रेम होने लगे थे। ठीक है, तो देखोगे आप ये अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, साथ में आपको थ्योरी का भी उतना ही वेटेज देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मेरे को ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ते समय कभी भी थ्योरी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, मेरे को थ्योरी पे भी उतना ही फोकस करना है जितना मेरा न्यूमेरिकल अप्रोच पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखो जरा 2012 के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2012 के हिसाब से एनालिसिस की मैं बात करूं अगर, तो सबसे पहला क्वेश्चन देख रहे हो आप सेटबैक डिस्टेंस पे, एक क्वेश्चन पूछा गया। अभी तक देखो सेटबैक डिस्टेंस को कहीं पे भी वैल्यू नहीं दिया था, तो एक अनटच्ड टॉपिक था जिसको छूने की कोशिश करी है यहां पे, सेटबैक डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद बात करूं, ये ज्योमेट्रिक डिजाइन में आ जाता है हमारा, ज्योमेट्रिक डिजाइन में ये जनरली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद बात करिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, बेसिक से बात करिए आपसे, बेसिक से बात करिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए, बेसिक से बात करिए, एक बेसिक न्यूमेरिकल अप्रोच था ये। अगर आपको साइड डिस्टेंस आता है, अगर आपको ये साइड डिस्टेंस कंसिडरेशन पता है, तो आप इजीली ये निकाल सकते होगे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स की बात करिए, एक थ्योरिटिकल टॉपिक है, एक थ्योरिटिकल टॉपिक है जिसमें आपसे बात करिए क्या किया होगा, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स के बारे में बात करी होगी कि कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स, भाई अगर टू लेन टू वे दो रोड है, ए और बी दोनों में टू लेन है और टू वे ट्रैफिक है दोनों में, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होंगे, किसी एक में वन वे किसी एक में टू वे और दोनों साइड टू वे ट्रैफिक है, तो क्या कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट होंगे और उनका रेशियो क्या होगा। तो समझो जरा, अब आपको मैं एक और चीज समझाता हूं, थोड़ा सा और आपको इंटरेस्ट डेवलप करते हैं हम लोग। अभी क्या हो रहा था, जब हम लोग यहां पे देख रहे थे कि जब थ्योरिटिकल क्वेश्चन आ रहे ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस पे या पैसेंजर कार यूनिट पे या डिजायर लाइन पे, तो उस टाइम पे क्या हो रहा था, आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट थ्योरिटिकल क्वेश्चंस पूछा जा रहा था, है ना। मैंने एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट पे रिलेटेड एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया गया। ठीक है, मैंने बोला कि उसके अलावा आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, आपसे पूछा जा रहा था कि भाई डायरेक्ट कुछ भी एक टेबल थी हमारी, उस टेबल में कुछ कुछ वैल्यूज दे रखी है, उस वैल्यूज को याद करके हम लोगों ने ये वैल्यू देख डाली। ठीक है, अभी जब मैंने बोला यहां पे एक क्वेश्चन आया नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट के ऊपर, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया, ये किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम था, ये क्वेश्चन था आपको दो अलग अलग वैल्यूज तो पता थी पर उनका रेशियो निकाल के आपको आंसर देना था। समझ में आया, कुछ एकदम डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट उन्होंने लाए कि हाँ मतलब कैसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो ये अच्छा चीज था। ये इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली अब जो फ्रेम होते हैं, एक ट्रिकी क्वेश्चन फ्रेम होता है कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट होगा जिस कॉन्सेप्ट के पीछे एक ट्रिक हिडन होगा, वो ट्रिक एक बार समझ में आया तो खट से क्वेश्चन दो सेकंड के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद रोड रफनेस पे एक थ्योरिटिकल क्वेश्चन देखा, सॉफ्टनिंग पॉइंट पे एक थ्योरिटिकल क्वेश्चन देखा, उसके बाद एक ट्रैफिक डिजाइन पे, 2004 में आया था ट्रैफिक डिजाइन पे, सिमिलरली 2012 में भी आपको ट्रैफिक डिजाइन पे क्वेश्चन देखने को मिला, वापस से क्यूमुलेटिव एक्सेल लोड निकालने बोला है यहां पे, है ना। तो ये एक अच्छा न्यूमेरिकल क्वेश्चन वापस से देखने को मिला।
तो अब समझो जरा, अब अगर मैंने, अब जब हम लोगों ने पूरा एनालिसिस कर लिया है कि अभी तक आईआईटी दिल्ली जब भी होस्टिंग आईआईटी रहा है आईआईटी दिल्ली, तो कैसे उन्होंने इस पेपर के पैटर्न को जज करने ट्राई किया या कैसे क्वेश्चन देने को कोशिश किया होगा, तो बोला कैसे क्वेश्चन देना है हम लोगों को, उन्होंने बोला कि हर पार्ट कवर होना चाहिए आपका, हर पार्ट मतलब हर पार्ट। देखो जरा यहाँ पे, यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ तो आपसे उन्होंने ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में बात कर लिए, बेसिक्स के बारे में बात कर लिए, ज्योमेट्रिक डिजाइन के बारे में बात कर लिए, ये मटेरियल एंड टेस्टिंग पे बात कर लिए, ये मटेरियल्स पे बात कर लिए, और ये ट्रैफिक पे बात कर लिए, ठीक है। तो देखा आपने हर पार्ट को उन्होंने टच, कोई भी ऐसा पार्ट नहीं होगा जिसको अनटच छोड़ा होगा, ठीक है। तो अब मेरे को कुछ पॉइंट बहुत इजीली जो समझ में आ गए, सबसे पहला पॉइंट ये समझ में आया है कि ट्रैफिक में जब भी मेरी बात होगी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, तो थ्योरी का वेटेज भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना न्यूमेरिकल का वेटेज है, ठीक है। दूसरा चीज मेरे को ये समझ में आया कि आजकल कंक्लूजन, डायरेक्ट आपसे कंक्लूजन नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा सा ट्रिक यूज करके थ्योरिटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तीसरा चीज ये मेरे को समझ में आया कि न्यूमेरिकल का वेटेज बढ़ते जा रहा है और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि ट्रैफिक डिजाइन पे हो सकता है आपका क्वेश्चन, जैसे कि मार्शल मिक्स मेथड डिजाइन पे हो सकता है आपका क्वेश्चन, जैसे कि रिजिड पेवमेंट, जब हम लोग पेवमेंट डिजाइन में बात करेंगे तो रिजिड पेवमेंट पे जनरली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको कोई भी पार्ट, अभी देखो इसमें कोई भी पार्ट अनटच नहीं रहा है, तो आप समझ रहे हो कि आपको आपका प्रिपरेशन का लेवल कैसा रखना है और कैसे कैसे उसको मोल्ड करना है, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं आपको बोल रहा हूं दूसरा चीज, एक और जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो ये है कि अभी ना जब भी मैं क्लास लेता हूं तो मेरे से स्टूडेंट पूछते या वीडियोज में या कभी भी मैसेज करते कि सर हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए हैं, क्या वो इनफ है, मतलब दो बार कर लिए, पांच बार कर लिए। तो मेरा बात सुनो, जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूं वो ये है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना बहुत मस्ट है। वो इसलिए क्योंकि मैंने बोला आपको कि एक हार्डनेस का लेवल आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन कितना लेवल का क्वेश्चन मेरे को करना चाहिए, ठीक है, किस लेवल का प्रिपरेशन मेरे को करना चाहिए। ये तो हो गया मेरा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने दो बार वो क्वेश्चन लगा लिए, इसका मतलब है वो क्वेश्चन तो आपको रट गया होगा, आपको याद ही रहने वाला है वो क्वेश्चन, क्या सॉल्यूशन है उसका, क्या आंसर है, आपको याद आ जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपने एक बार क्वेश्चन लगा लिए हैं बिना किसी के हेल्प से, आपको पता चल गया कि इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, अब ना आपको केवल उसी क्वेश्चन में एनालिसिस करना है। कैसा एनालिसिस भाई, मैं ये बोल रहा हूं मेरे को जो भी गिवन डेटा है, क्या उसमें और कुछ चीजें पूछी जा सकती थी क्या, एक आध चीजें और बोल के, या एक आध चीज मिस करके किसी और चीज को पूछा जा सकता था क्या। तो आपको यही सोचना है, यही एडवांसमेंट है। पहले देखोगे पुराने टाइम में थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाते थे, धीरे धीरे टफनेस लेवल बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया, आज बहुत ज्यादा टफ तो नहीं है पर एक बेसिक लेवल टफ है, मॉडरेट क्वेश्चंस आते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन देखोगे ना, इनमें से अभी तक जितनी भी बार क्वेश्चन आए हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के, बहुत ऐसा कम हुआ है कि आपसे कुछ भी टफनेस का लेवल कुछ ज्यादा हो, ठीक है। लैंग्वेज मैं बोल रहा हूं, आईआईटी जो भी हमारा गेट है इज ऑल अबाउट लैंग्वेज और यूनिट्स, या आपके साथ लैंग्वेज में खेलने ट्राई करेंगे या यूनिट्स में खेलने ट्राई करेंगे। तो आपको उस टाइम पे बहुत फोकस रहना है, आपका एनालिसिस पार्ट पे आपको स्ट्रांग रहना है, और आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं मतलब कोई नहीं, ठीक है। तो हम लोगों को यही करना है, ठीक है। अब से हम लोग जब भी अब आगे जब प्रिपेयर करेंगे तो एनालिसिस पे फोकस करते जाएंगे, हम लोग कॉम्बैट भी देखते जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन के कॉम्बैट जो आने वाले हैं। मैंने आईआईटी दिल्ली को ही ध्यान में रखे उन कॉम्बैट्स को डिजाइन किया है, तो आपको एकदम मजा आने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच।